But sure, ma'am, a big, big congratulations. The teaser are getting a huge response from the audiences. Yeah. Thank you. Yes. Thank you so much. First of all, what kind of appreciation or comments you're getting from your friends or fraternity from our industry? So, I think मुझे बहुत सारे personal messages आए हैं on WhatsApp. WhatsApp का ज़माना है. So everybody has told me it's very, very interesting. Love है, lust है, mystery है, और ये सबको पसंद है. I think the response has been great. You know, our how many 45,000 we have crossed on YouTube itself, and I think Hangama में about 80,000 separate. So you know, it's about in it's 3-4 days. Yeah, 3-4 days में इतना organic बहुत ही rarely होता है. Yes, and I think even in general, हमारे friends and everybody we know, our co-actors and all, उनके तरफ से जो feedback आ रहा है has been really, really good. सब लोग मुझे पूछ भी रहे, screening कब है, मंडे है, संडे है. मैंने कहा मंडे रुक जाओ यार, थोड़ा और time है. अगर हम short film के बारे में कुछ बताना चाहेंगे, what is all about? तो अभी कहानी तो मैं आपको पूरी नहीं बताऊंगी. वन लाइनर ये है कि एक वाइफ है बहुत स्वीट सी मालती, एक हस्बैंड है बहुत स्वीट से अर्जुन, उनकी गर्लफ्रेंड और भी स्वीट सी स्पाइसी सी फ्लोरा. तो एक दिन वो वाइफ घर आ जाती हैं, और उस टाइम पे गर्लफ्रेंड घर में होती हैं. उसके बाद क्या होता है, तो कभी आप सिचुएशन में रहे ऐसे तो आपको शायद समझ आएगा. बहुत लोग समझ सोच सकते हैं कि क्या हो सकता है. तो दैट होल कन्फ्यूजन कि एक आदमी की क्या हालत होती है सिचुएशन में और क्या होगा, इज द स्टोरी. नहीं, इट्स नॉट माय हेडेक एनीमोर, इट्स द मैन्स हेडेक. सो आई थिंक गर्लफ्रेंड तो फिर भी अपने घर जा सकती है. वो बीवी और उस हस्बैंड की क्या हालत होने वाली है उस रात को, वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग प्लॉट होता है. बहुत सारे लोग रिलेट करेंगे इससे, शायद कुछ आइडियाज ही मिलेंगे इससे ना शायद. ओके, टीजर के अलावा साइना मैम, आपके और सुधांशु की जो केमिस्ट्री है वो बहुत टॉप ऑफ द टाउन है, टॉप, तो उसके बारे में थोड़ा बात करना चाहेंगे. और ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? देखो, सजीली को सिर्फ गंदी बातें ही लोग पूछते हैं, ऐसा क्यों? आई थिंक शी इज गॉर्जियस, और एनीथिंग ब्यूटीफुल पीपल व्हेन दे डू एनीथिंग इट लुक्स नाइस यार. खूबसूरत लोग खूबसूरत चीज़ें करते हुए अच्छे लगते हैं. बट मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, लोगों को हमेशा हमको देख के ये लगता है कि यू नो ये लोग कितना इन्जॉय कर रहे होंगे, इनके लिए कितना ईजी होगा एंड ऑल दैट, बट ट्रस्ट मी. एंड सबसे ज़्यादा लोगों को लगता है कि लड़कों के लिए शायद बहुत ईजी होता है, लड़कियाँ शायद ज़्यादा यू नो पीपल टेक केयर ऑफ द गर्ल्स आर यू ओके यू आर ओके, बट इन आवर फिल्म एंड ऑल्सो स्पेशली सुधांशु, तो मतलब ही वॉज सो शाई, ही वॉज सो अनकम्फर्टेबल. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वॉट पीपल डोंट नो, दिस वॉज द फर्स्ट शॉट ऑफ द डे. इमेजिन टू पीपल कमिंग 7 AM शिफ्ट, मेकअप होता है तो अभी ये करना है स्ट्रेट. सो इट एंड कैमरा इज योर, इट्स अ प्रोफेशनल एनवायरमेंट, इट्स डिफिकल्ट आई थिंक, एंड टू गेट दैट नेचुरल एलिमेंट, वो लगना भी चाहिए ऑथेंटिक ऑन कैमरा. सो कुडोज टू माई डायरेक्ट एक्टर, बोथ द एक्टर्स, आई थिंक दे वर सपोर्टिव, और उन्होंने उतने टेक्स दिए जितने मैंने मांगे, और बहुत अच्छा लग रहा है. और क्या चाहते हैं, केमिस्ट्री अच्छी दिखनी चाहिए, तभी वो लव फील होता है ना. कुडोज ऑल्सो टू आवर डायरेक्टर जो हर शॉट के बाद नहीं यार मुझे मजा नहीं आ रहा है. मुझे मजा चाहिए था, क्योंकि ऑडियंस को मजा चाहिए, isn't it? Okay, Flora, man, no doubt, I'll look, you look very beautiful and also people say you are very hot. So what's your thought whenever you choose an any role? Because you most of all your roles are very bold. ऐसा क्यों लग रहा है लोगों को? ऐसा नहीं है एक्चुअली, मेरे ख्याल से सिर्फ आप ही ने वो बोल्ड वाले देखे हैं, बाकी नहीं देखना आपने चूज नहीं किया होगा. मोस्ट ऑफ ऑल हर बार हमें कुछ ऐसा करते हैं जो हिट हो जाता है, लोगों की एक वो पुराना काम भूल जाते हैं. सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर माई नेक्स्ट जॉब जहाँ पे वो इमेज एक भूल सकें. बट एज एन एक्टर आई थिंक मेरा कोशिश ये है कि 10 years डाउन द लाइन जब मैं अपना करियर देखूँ तो मैं हर एक वो रोल जो मैंने नहीं ट्राई किया है, जैसे गर्लफ्रेंड्स पार्ट मैंने नहीं ट्राई किया था, स्पेशली ये वाला जो स्पेस है इनफिडेलिटी, हस्बैंड गर्लफ्रेंड एक ही घर में, ये इट्स अ न्यू स्टोरी. सो यू नो फ्लोरा एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है फिल्म में, सो यू नो लेट्स नॉट लिमिट हर टू जस्ट दी बोल्ड सीन्स और दैट, बिकॉज यू नो इट्स वेरी समवेयर नॉट फेयर टू एन एक्टर. आई फील कि आप एक्टर्स को सिर्फ कुछ सीन्स में अगर एक्सप्लेन करें, वो एक्टर्स एक्टिंग कर रहे हैं. सो यू नो आई थिंक मीडिया शुड अंडरस्टैंड दिस, और उनको एज एक्टर्स वो चीज़ समझें तो बहुत अच्छा रहेगा ना. ओके, लक्ष्मी, शॉर्ट फिल्म की बात करें, सो डू यू थिंक क्या शॉर्ट फिल्म आने वाले दिनों में फुल फीचर फिल्म को टेक ओवर कर सके? बिकॉज शॉर्ट फिल्म एक टेक ओवर तो शायद नहीं करेगी, बिकॉज शॉर्ट फिल्म एक 5-10 मिनट में फुल स्टोरी बता देती है, बहुत चलो. सो एग्जैक्टली 2 घंटे ले लेती, लाइक यू सेड शॉर्ट फिल्म 5 मिनट, ये 15-16 मिनट की फिल्म है,
बहुत मुश्किल फीचर फिल्म से कभी नहीं जाएंगे, बिकॉज जिनको बिग थिएटर में फिल्म देखनी है वो ऑडियंस में भी उनमें से एक हूँ, वो एन्जॉयमेंट अलग ही होती है. डेफिनेटली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बहुत सक्सेसफुल हैं, OTT प्लेटफॉर्म, चाहे वो नेटफ्लिक्स हो, अमेजॉन हो, कितने और खुले हैं, वूट, यू नो, या सोनी लिव, सो मेनी प्लेटफॉर्म्स आर ओपन्ड अप, हंगामा प्ले. बट देन द थिंग इज नाउ, अगर मैं रात को 2 बजे उठती हूँ और मैं थोड़ा बोर फील कर रही हूँ इन जनरल, राइट, अगर मुझे कुछ देखना है और मेरा मूड करता है, जस्ट कमिंग बैक फ्रॉम प्लेस, मेरे पास ऑप्शंस बहुत कुछ देखने के लिए. एट द सेम टाइम अगर वो चीज़ बोरिंग है, मैं उसको 5 सेकंड में बंद कर दूंगी, तो दैट कंटेंट हैज़ टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड होल्ड यू फॉर द एंटायर टाइम. बिकॉज रिमोट शायद हम थोड़ा लेट चेंज करते हैं, थोड़ा दूर होता है, फोन तो अपने हाथ में होता है, तो ऐसे टक करके हम लोग चेंज कर देते हैं, तो द कंटेंट हैज़ टू बी वेरी इंटरेस्टिंग. सो इट्स अ चैलेंज फॉर एवरीबॉडी कि हर कंटेंट डिफरेंट भी हो, ओरिजिनल भी हो और इंटरेस्टिंग भी हो. ओके, लास्ट टू क्वेश्चंस, व्हाट्स योर परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ लव अकॉर्डिंग टू यू? वंडरफुल. We both are single, so you know, I don't know. I have had a lot of heartbreaks. So, mere liye pyar har relationship mein hai. Every relationship is love. If there is, you know, 100% faith and commitment to it, whether with the father, with parents, with family, or with your dog, or with your just, you know, with your home, affection of 100% faith is something I call love. For me, I think love is friendship. क्योंकि एक जो बोलते हैं ना, फाउंडेशन ऑफ एनी रिलेशनशिप विद एनी बॉडी स्टार्ट्स विद दैट ट्रस्ट एंड फ्रेंडशिप. सो मेरे ख्याल से वो अगर आपका कोर सही जगह पे है, फाउंडेशन सही है, तो बिल्डिंग बहुत अच्छी और सख्त खड़ी रहेगी. ओके, टूर्नामेंट कैन वी से क्या करण जो ने सही कहा, प्यार दोस्ती है. हाँ, मैंने भी वही कहा अभी. ओके, लास्टली क्या कहना चाहेंगे टू योर फैंस, फाइनली योर शॉर्ट मूवी रिलीज? सो टू ऑल द पीपल आर वॉचिंग दिस शो, 16th of April, we are releasing on Hangama Play and YouTube. Please, please watch Season with Love. Teaser is already out. So, teaser dekhiye, aapko maza aayega. Uske baad film bhi dekhiye. Aur dekhiye nahi, aur share bhi kijiye. And just enjoy over a weekend or weekday. So, kuch popcorns lijiye aur ye film ko please enjoy kijiye. Aur please send me your comments or, you know, your feedback on the film. We would love to have that. We are really, really excited. It's a beautiful film made by this beautiful girl and acted by 3 beautiful looking people. We really want you to go enjoy this film called Season with Love. It's made with a lot of love and we hope you love it. Thank you, ma'am. अमेजिंग रिस्पॉन्स, अमेजिंग रिस्पॉन्स. क्योंकि क्या है ना कि एक शॉर्ट फिल्म का एक अलग ही फ्लेवर आके आया है सामने, तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है. और 45K ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है, तो वो हमारी जो एक्साइटमेंट है उसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता अभी, ये भी नहीं लगा सकता. हाँ, मैं नहीं लगा पा रहा हूँ. लेकिन जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो बहुत अच्छा है. खुशी इस बात की है कि हर आदमी ने अभी तक यही बोला है, सॉ द टीज़र, लव्ड इट. तो कोई बहुत ज़्यादा लंबा एक्सप्लेनेशन भी नहीं है, शॉर्ट एंड स्वीट सबके मैसेज आ रहे हैं. सॉ द टीज़र एंड लव्ड इट, ये हर आदमी ने यूनिफॉर्मली ये बात बोली मुझे. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उसका अच्छा समा बन चुका है, और जब फिल्म रिलीज़ होगी तो मुझे लगता है कि लोगों को काफ़ी सरप्राइज मिलने वाला है. ओके सर, टेल अस समथिंग अबाउट योर कैरेक्टर इन द शॉर्ट फिल्म, थोड़ा बहुत. ये सभी लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि आप अपने कैरेक्टर के बारे में बताइए. तो मैं पहली बात तो ये बता दूं कि मेरा कैरेक्टर लेस तो नहीं बोलना चाहिए, चरित्र कैरेक्टर है एक ज़िम्मेदार पति का, जो घर पे है, बीवी का इंतज़ार कर रहा है, बीवी आने वाली है, बट बीवी को आने में थोड़ा समय लग रहा है, तो इस बीच में उसकी गर्लफ्रेंड आ जाती है, तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है मामला, क्योंकि जब वो गर्लफ्रेंड के साथ है उसी समय, जैसा कि आपने टीज़र में देख ही लिया होगा. ओके, रिचा, आप कितना एक्ट करने के लिए उनके इस कमेंट पर? शॉर्ट फिल्म में देखिए, मेरे पति परमेश्वर हैं, ये जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, और इनकी बातों में हामी भरना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है. तो बस इतना नहीं, आपका धर्म है ये, धर्म. 17 मिनट की फिल्म है, अभी ज़्यादा बात करेंगे तो पता नहीं बाहर आ जाए कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली. तो अभी जो इन्होंने कहा है मैं उसको सहमति देती हूँ, और बहुत बहुत अच्छा लगा आपके साथ काम करके. धन्यवाद देवी, मेरे पति की भूमिका में है, नवरात्रि चल रही है, मेरी जिंदगी सवर गई. ओके सुशांत सर, टीजर के अलावा आप और एक जो टॉप ऑफ द टाउन है वो है आपकी केमिस्ट्री विद फ्लोरा,
और हमने जैसे कि अभी डायरेक्टर के साथ बात की है, उन्होंने कहा कि फर्स्ट सीन ही पहला दिन ही वो सीन था, तो क्या कहना चाहेंगे, कितने नर्वस है और क्या माइंड सेट? माइंड सेट तो था ही नहीं मेरा उस दिन, माइंड अपसेट था क्योंकि पहला दिन मतलब जिस दिन हमने फिल्म शूट करी है उस दिन पहला शॉट मेरा, एक तो वैसे भी आपने देखा होगा कि पूरी फिल्म में बनियानी पहनी हुई है ना, एक जो गंजी बोलते हैं वो पहनी हुई है, और पहला शॉट जो था मेरा वो फ्लोरा के साथ था, जहाँ मैं फ्लोरा को फ्लोरा और हम एक दूसरे को किस कर, तो मुझे पहला शॉट देने के लिए बोला गया कि ऐसे पोजीशन में आना है, तो फ्लोरा जी लेटी हुई हैं और मैं ऊपर से ऐसे आना है मुझे उनके, और हमको किस करना, थोड़ा सा नोक झोंक करते हैं और किस करते हैं, और कैमरा यहाँ पे था और हम दोनों यहाँ पे थे, तो इतना नज़दीक था कैमरा कि मतलब मैं ऐसे सर भी नहीं हिला सकता था, तो जब आपको पता है कि ये सब आपके इतने नज़दीक हैं, कैमरा इतना नज़दीक है तो कैमरामैन भी वहीं होगा, फोकस पुलर भी वहीं होगा, और एक आदमी वो कटर वटर लेके खड़ा था वो भी वहीं होगा, लाइटमैन भी होगा, सब लोग वहाँ पे लगे हुए हैं, और यहाँ ये दो कैरेक्टर एक दूसरे को किस करने के सीन को परफॉर्म करने वाले, तो विद ग्रेट डिफ़िकल्टी क्योंकि मैं बहुत नर्वस था ये सीन शूट करने के लिए, क्योंकि मैंने इंटीमेसी आज तक कभी कैमरे पर शूट नहीं करी, मतलब रिसेंटली मैंने एक और जगह पर शूट करा था, बट ये दोनों एक्सपीरियंसेस मेरे पहले लाइफ के आज तक के करियर में पहले एक्सपीरियंस थे, तो बहुत ज़्यादा नर्वसनेस थी, बहुत घबराया हुआ था मैं, और पहला शॉट देने के बाद ये जब शॉट हुआ और मुझे लगा मैंने बहुत अच्छा किया और मैं वापस गया मॉनिटर पे, तो लक्ष्मी मुझे देख के बोलती है सुधांशु मज़ा नहीं आया, तो मैंने मन में सोचा कि यार ये मज़े के लिए तो मैंने बिल्कुल नहीं किया, तो मैंने कहा लक्ष्मी मज़ा नहीं आया मतलब क्या क्या कमी क्या रह गई मेरी तरफ से, तो लक्ष्मी बोलती हैं कि नहीं थोड़ा ना नेचुरल, आई वांट अ लिटिल मोर नेचुरल, यू नो इट हैज़ टू लुक लाइक यू आर इन यू नो यू आर इन लव एंड यू नो यू आर अबाउट टू, तो मैंने कहा अच्छा, फिर बहुत मुझे हिम्मत अपनी बनानी पड़ी और मैंने फ्लोरा से भी डिस्कस किया, मैंने कहा यार मैं बहुत घबराया हूँ मैं डरता हूँ, तो फ्लोरा ने आई थिंक वीमेन आर वे स्ट्रॉन्गर देन मैन आई पर्सनली फील, तो फ्लोरा ने मुझे बड़ी स्ट्रेंथ दी और उनके कॉन्फिडेंस की वजह से फिर हमने वो सीन परफॉर्म किया बड़ी अच्छी तरह से, और जैसे ही परफॉर्म करना शुरू किया था तब तक इन्होंने घंटी बजा दी बीच में बस। ओके रीचा, आप क्या कहना चाहेंगे, यू नो जब केमिस्ट्री की बात हमने की है तो आपका थोड़ा सा अलग ही रिएक्शन था, तो क्या कह सकते हैं, भारतीय नारी हूँ इस फिल्म में, एक बहुत ही कहते हैं ना जो रिवाजों में मानती है, पति को सब कुछ मानती है, तो वैसा एक कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, अब ऐसे में पति क्या मुँह काला कर रहा है पीठ पीछे, मैं क्या कर सकती हूँ उसमें, तो अब मेरी और इनकी केमिस्ट्री तो वो नहीं दिखेगा ना टीजर में, मेरी इनकी केमिस्ट्री टीजर में दिखी है एक सीन में, फ्लोरा के साथ देखिए आप, नहीं फ्लोरा के साथ बायोलॉजी दिखी है, आपके साथ केमिस्ट्री दिखाई दी है। ओके रिचा, ये शायद तक आपकी पहली शॉर्ट फिल्म है, सो हाउ वाज द एक्सपीरियंस, और कितने नर्वस है बिकॉज इट्स डिफरेंट जॉनर? दूसरी शॉर्ट फिल्म है मेरी, जो पहले शॉर्ट फिल्म थी द साइलेंट स्टैचू, वो कांस में चली गई थी, थोड़ी वो अलग लेवल पे तो ज़्यादा मीडिया के पास आ नहीं पाई वो फिल्म, क्योंकि जब पिक्चर कांस में जाती है तो उसको बिल्कुल हश हश तरीके से ले जाया जाता है, और ये दूसरी फिल्म है लक्ष्मी मैम के साथ मेरी, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इनको मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, और इन्होंने मुझे एक दूसरे फिल्म के लिए बुलाया था, ऑडिशन किया था, पर इस कैरेक्टर के लिए ज़्यादा फिट थी मैं, तो मुझे उन्होंने इसमें कास्ट कर लिया है। अब जहाँ तक बात आप करेंगे जॉनरे का, तो यस इट्स अ वेरी डिफरेंट मीडियम, और माइंडसेट अलग होता है, यहाँ पे एक्टर्स अलग होते हैं, इतने इवॉल्व होते हैं एक्टर्स जिनके साथ काम करना, और फिर लक्ष्मी मैम थ्रू आउट थी मूवी के दौरान हमें सपोर्ट करने के लिए, उन्होंने कुछ एक ऐसे सीन्स भी थे जो पूरा अच्छे तरीके से इनैक्ट करके दिखाया और बताया मुझे कि रिचा दिस इज़ व्हाट आई एक्सपेक्ट, एंड वो बहुत बहुत हेल्पफुल रहा मेरे लिए, क्योंकि मैं नर्वस तो बहुत थी, मैं हमेशा नर्वस रहती हूँ, लेकिन मैं भूल जाती हूँ कि जो भी काम किया है मैंने पीछे छोड़ के आगे एक नए सिरे से शुरुआत करते हैं, नया सेट है, नई चीज़ें सीखेंगे हम लोग, तो वो माइंडसेट रहता है। ओके, टॉकिंग अबाउट द एक्सपीरियंस विद डायरेक्टर, उनके साथ में काम करने का कैसा अनुभव रहा? लक्ष्मी बहुत ही वाइब्रेंट डायरेक्टर है, एज अ पर्सन ऑल्सो शी इज़ वेरी वाइब्रेंट, शी इज़ फुल ऑफ एनर्जी,
मतलब बैटरीज में अगर ड्यूरासेल है तो डायरेक्टर्स में लक्ष्मी अय्यर है. तो लक्ष्मी इनहेरेंटली बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक और बहुत पॉजिटिव पर्सनालिटी वाली लड़की हैं. और जैसा कि आपने उनको देखा ही होगा कि वो एक अपने साथ एक अलग किस्म की ऑरा लेके आती हैं. उनके टैटूज़ हैं, वो इयर रिंग्स अलग तरह के पहनती हैं, उनका हेयर स्टाइल अलग है. तो शी हरसेल्फ एज अ पर्सनैलिटी इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ स्टेटमेंट, अ वेरी डेफिनेट स्टेटमेंट. एंड यू कैन सी दैट शी लिव्स लाइफ यू नो ऑन हर ओन टर्म्स एज अ पर्सन. यू कैन फिगर दैट आउट. एंड दैट इज़ समथिंग दैट आई लाइक टू बिगिन विद फर्स्ट व्हेन आई मेट हर. एंड देन शी टोल्ड मी दैट दिस इज़ द स्टोरी. व्हेन शी टोल्ड मी द स्टोरी शी सेड इट्स अबाउट इनफिडेलिटी. सो आई माई फर्स्ट थॉट वॉज कि ओके इनफिडेलिटी अच्छा है बट उस पर बहुत सारी चीज़ें बनती हैं. बट देन शी नरेटेड द होल स्क्रिप्ट टू मी एंड देन शी टोल्ड मी द एंड. एंड द मोमेंट शी टोल्ड मी द एंड आई सेड बॉस दिस इज़ द बिगिनिंग, लेट्स डू इट. सो द एंड वॉज सो इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंगली रिटन दैट आई सेड लेट्स डू दिस फिल्म. एंड द होल एक्सपीरियंस ऑफ देन ऑनवर्ड्स विद लक्ष्मी, ऑफ सिटिंग विद हर एंड यू नो डिस्कसिंग व्हाट आई एम गोइंग टू डू, व्हाट आई एम गोइंग टू लुक लाइक and how we are going to shoot this was a very very beautiful process. And she did a lot of good homework, a solid homework. She was very well prepared because ye 16 minute ki jo picture humne banayi hai ye humne ek din mein shoot kari thi. Aur mujhe aisa lagta hai ki kisi bhi director ko, technician ko ya actor ko ek kahani ko ek din mein batane ke liye bahut qabiliyat chahiye और बहुत मेहनत चाहिए और बहुत होमवर्क चाहिए, जो उन्होंने बखूबी निभाया. तो आई थिंक लक्ष्मी हैज़ डन अ फैंटास्टिक जॉब. रिचा मैम, आपके लिए कहना? लक्ष्मी मैम के लिए बस इतना ही कहूँगी कि वो बहुत ही फोकस्ड हैं और उन्होंने एक बैरियर को ब्रेक कर दिया है. क्योंकि मैंने बहुत मेल डायरेक्टर्स के साथ काम किया है और जिस तरीके की स्पिरिट है उनकी और जिस तरीके की उनकी यू नो प्रेजेंस होती है सेट पे, वो इतनी डिमांडिंग है, डोमिनेटिंग है. व्हाट शी नोज व्हाट शी वांट्स आउट ऑफ समवन, कि वो कैसा परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रही हैं. तो मुझे कोई डिफरेंस नहीं लगा, कि मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं किसी फीमेल डायरेक्टर के साथ काम कर रही हूँ. और इसको जनरलाइज करना भी नहीं चाहिए बिकॉज शी इज़ एन इंडिविजुअल ऑन हर ओन वे. और लक्ष्मी मैम का बहुत सारी चीज़ें हैं. मैं उनको आज भी उन्हें बुरा लगता है जब मैं उनको मैम बुलाती हूँ. वो मुझे बोलती है कॉल मी लक्ष्मी, she is that you know humble and modest. But you know it is our responsibility to take it forward because jo kaam unhone kiya hai, jo jis tarike ka unka vision hai aur jis tarike ki wo human being hai, mujhe unke liye dil se respect aati hai. To maine unko bol diya hai ki jis din mujhe lagega main aapko lakshmi bulaungi, but for now let me call you ma'am. I love calling you that. So सुधांशु, यू नो लक्ष्मी ने एक और जो टिप दी है, एक्चुअली इट नॉट ओनली लक्ष्मी, फ्लोरा ने भी कहा है कि आप ब्रियर्ड के साथ में अच्छे नहीं लगते और वो टीका, तो उनकी ये टिप कितना मानने वाले हैं? देखिए टिप टिप करके ही पानी बरसता है, ठीक है ना. तो ऐसे ही लोग अगर टिप टिप करते रहेंगे और देते रहेंगे तो हो सकता है मैं बियर्ड निकाल दूँ. बट ये दोनों लड़कियाँ पता नहीं क्यों मेरे जान के पीछे हाथ धो के पड़ी हुई कि मेरे ऊपर बियर्ड अच्छी नहीं लगती और मेरे ऊपर वो तिलक अच्छा नहीं लगता. लेकिन ये बात समझ नहीं पा रही हैं मेरी दोनों बहनें कि जो ये तिलक होता है मेरा, वो मैं घर पे मंदिर में पूजा करने के बाद लगाता हूँ. और वो क्योंकि घर पे मंदिर है तो घर में पूजा पाठ भी करता हूँ मैं. और एक्चुअली बहुत सारे लोगों को ये पता भी है और बहुत सारे लोगों को ये पता भी नहीं है कि मैं शायद इतना रिलीजियस हो सकता हूँ. तो हाँ, मैं थोड़ा रिलीजियस भी हूँ, स्पिरिचुअल भी हूँ. घर में पूजा करता हूँ, तिलक लगाता हूँ, 3 times पूजा पाठ करता हूँ. और जैसा पिक्चर में दिखने को मिल रहा है लोगों को, वैसा नहीं हूँ मैं रियल लाइफ में. नहीं, मैं वैसे बोल रहा हूँ कि पूजा पाठ करता हूँ, जो सब बोल रहे ये अच्छा नहीं लगता है, दाढ़ी अच्छी नहीं लगती है, हद हो गई यार, बच्चे की जान लो. तो ऑन अ सीरियस नोट, ये बियर्ड मैंने इसलिए रखी हुई क्योंकि मेरी इत्तेफाकन पिछले कुछ समय से जितने भी मैंने कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, हर आदमी को मेरे चेहरे पे दाढ़ी चाहिए थी. उनको मेरा वैसा चेहरा पसंद नहीं आ रहा था किसी वजह से, तो
मुझे दाढ़ी रखनी पड़ी और मैंने अभी भी दाढ़ी रखी हुई है क्योंकि मैं इसके बाद एक और शॉर्ट फिल्म अभी करने वाला हूँ विद अ डायरेक्टर फ्रॉम हैदराबाद विच इज़ अगेन अ वेरी ब्रिलियंट स्क्रिप्ट और वो थोड़े बड़े स्केल पे भी हम लोग शूट कर रहे हैं हैदराबाद में. तो उनके फिल्म में भी जो उन्होंने कैरेक्टर मुझे दिया है वो दाढ़ी वाला है, तो अब मैं फिर से दाढ़ी नहीं निकाल पाऊँगा. अब उसका मतलब तो यही हुआ कि मुझे लक्ष्मी और फ्लोरा जी को बहन ही बोलना पड़ेगा और कोई तो मेरे पास चारा है. 16 को मूवी रिलीज होने दो, उसके बाद बहन बुला लो. हाँ. Why in the press conference? नहीं नहीं क्यों यार, इसमें क्या है, छुपाने वाली बात क्या है? ओके सर, शॉर्ट फिल्म की फॉर्मेट की बात करें, सो क्या लगता है क्या फ्यूचर है, क्योंकि डू यू थिंक वो टेक ओवर कर सकते हैं फुल फीचर फिल्म को, बिकॉज शॉर्ट फिल्म एक 10-15 मिनट में फुल पूरी स्टोरी बता देती है, फुल फीचर फिल्म एक 2 से 2.5 घंटे ले. सो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी चीज़ ना किसी चीज़ की जगह नहीं ले सकती. मेरा ये मानना है कि जब टेलीविज़न इंडस्ट्री में बूम आया था तो लोगों ने टेलीविज़न देखना बहुत ज़्यादा शुरू किया और आज टेलीविज़न की ऑडियंस बहुत बड़ी हो चुकी है, बहुत स्ट्रॉन्ग, मेरे ख्याल से आज की डेट में स्ट्रॉन्गेस्ट मीडियम है. बट फिर भी फिल्म्स ही हैं, लोग आज भी फिल्म देखने जाते हैं और फिल्म्स का बिज़नेस अब कम से कम 100 गुना ज़्यादा बढ़ चुका है. तो कोई भी चीज़ किसी चीज़ की जगह नहीं ले सकती, बट जैसे शॉर्ट फिल्म है या वेब पोर्टल्स हैं जहाँ पे ये शॉर्ट फिल्म्स आती हैं या वेब सीरीज़ आ रही हैं, वो सब अपनी अपनी एक जगह बना रही हैं बहुत सॉलिड. और ये भी एक ऐसा जॉनरा है जो सिर्फ ग्रो करेगा आगे आने वाले सालों में, बिकॉज इतना टैलेंट है हमारी कंट्री में, इतने डायरेक्टर्स हैं, इतने स्क्रिप्ट राइटर्स हैं जो अपनी कहानियाँ बताना चाहते हैं. तो ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी को ये मौका मिले कि वो पूरी फीचर फिल्म बना सके. तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कम समय में, कम बजट में अच्छे टेक्नीशियंस और अच्छे एक्टर्स को लेकर एक शॉर्ट फिल्म बनाएं और अपनी कहानी लोगों तक पहुंचाएं. तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो जॉनरा है शॉर्ट फिल्म्स का और वेब सीरीज़ का, ये आगे चल के और भी ज़्यादा ग्रो करने वाला है. और जैसा कि आपने देखा होगा कि अब फिल्म फेयर में भी इसका एक सेगमेंट इंक्लूड हो चुका है अवार्ड्स के लिए, तो यू नो इट इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव स्टार्ट. और आगे चल के शॉर्ट फिल्म्स इज गोइंग टू बी एन इक्वली स्ट्रॉन्ग वे ऑफ एंटरटेनमेंट एंड वे ऑफ नरेटिंग एंड टेलिंग स्टोरी. देखिए, शॉर्ट फिल्म बनाना उतना मुश्किल नहीं होता है और स्टोरी आपके पास रेडी है, और अगर कोई एस्पायरिंग डायरेक्टर है तो उसको प्रोड्यूसर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर उसके पास अच्छी स्क्रिप्ट है तो. और क्या होता है ना कि मूवी बनाने के लिए देन इट्स अ बिग प्लेटफॉर्म ऑल टुगेदर. तो आप देखिए, रोज़गार बढ़ गया है, मैं आपको बता रही हूँ, जो और जो लोग क्रिएटिवली चीज़ें कुछ करना चाहते हैं उनको सोचना नहीं पड़ेगा. फ्रेंड्स हैं और हमारी सर्कल इतनी बड़ी हो गई है ना कि सारे लोग चाहते हैं कि कुछ हम अच्छा कर जाएं, कुछ एक स्टोरी सामने लेकर आ जाएं. तो जब कोई स्टोरी बनती है तो उसके लिए अभी सोचना नहीं पड़ता है और वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं या बना सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ या किसी नामचीन एक्टर्स के साथ. वो अप्रोच कर सकते हैं कि सर दिस इज़ अ प्रोजेक्ट और मैम दिस इज़ अ प्रोजेक्ट, वी वॉन्ट टू डू दिस. तो हम एक देखिए ना, एक टैलेंट की बाढ़ सी आ गई है शॉर्ट फिल्म और वेब सीरीज़ के थ्रू. और चूंकि मेरा बैकग्राउंड रहा है सीरियल से, तो अगर आप कंपैरिजन करने बोलेंगे तो सीरियल मेरे लिए न्यूज़पेपर की तरह है और मूवी जो है किताब की तरह है. तो आप सीरियल रोज़ देखते हो, रोज़ आपका चल रहा है, वो न्यूज़पेपर हो जाता है और एक फिल्म जो है एक किताब बन जाती है. तो मुझे जहाँ तक लगता है कि एक नया रेवोल्यूशन आ गया है और अपनी बात आप देखिए ना, हर एक विषय पर चीज़ें बनी हैं. अगर आप देखेंगे तो हर एक विषय पे आपको कुछ ना कुछ दिखेगा ही, चाहे वो किसी भी चीज़ों से रिलेटेड हो, तो वो आपको दिखेगी शॉर्ट फिल्म के थ्रू. तो इट्स अ गुड थिंग. ओके, टॉकिंग अबाउट यू नो सीजन विद लव फिल्म, जैसे कि मतलब हम लोगों को लक्ष्मी जी ने बताया कि फिल्म जो है वो सिर्फ 12 घंटे में शूट की गई थी, तो कहीं ना कहीं वो एक शेड्यूल जो था वो कहीं हेडटेक लगा या फिर कुछ हुआ ऐसा? कई बार ऐसा होता ना कि आप की जो टीम होती है और आपके जो लोग होते हैं आपके आसपास, वो इतने अच्छे होते हैं और एक जो बॉन्डिंग होती है, एक एटमॉस्फेयर होता है, वो इतना पॉजिटिव होता है कि आप टफ से टफ सिचुएशन में भी आपको पता नहीं चलता है कि कब काम आपका ख़त्म हो गया, कब आपने वो काम पूरा कर लिया. तो वैसे ही हमारे साथ भी हुआ, क्योंकि हम लोग थे सब साथ में, हम लोगों ने शूट किया एक दिन में, इतनी अच्छी खासी फुटेज हम लोगों ने निकाली है. तो पूरा दिन हंसते खेलते हम लोगों ने निकाल दिया और फिल्म शूट भी हो गई. तो दैट इज़ हाउ इजी एंड दैट्स हाउ ब्यूटीफुल इट वाज. तो इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस शूटिंग इन मुंबई. अब 12 घंटे का तो शिफ्ट होता ही है, लेकिन 12 घंटे में एक पूरा प्रोजेक्ट फिनिश कर देने के लिए, एक पूरा
आर्मी होनी चाहिए सेट पे. तो हमें स्क्रिप्ट पहले मिल गई थी और हमने रिहर्सल्स भी किए थे साथ में और हमें सब कुछ थ्रू था कि हमें मालूम था कब क्या होने वाला है. तो प्रिपेयर होकर गए थे कि भाई आज जो है ये यूनिक शूट होने वाला है और आज हमें किसी भी तरीके से आज ये ख़त्म करके जाना है. और फुल सपोर्ट था मैम के लिए, इसीलिए आई थिंक. और एक्टर्स अडोरेबल एक्टर्स, लाइक आई वॉज मीटिंग हिम सुधांशु जी फॉर द फर्स्ट टाइम, फ्लोरा फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड देन द इंटायर क्रू एंड एवरी वन फॉर द फर्स्ट टाइम. मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि कुछ भी ऑकवर्ड हो रहा है या किसी को कुछ इनहिबिशंस है ये काम करने में. एवरीथिंग वॉज सो कूल. तो ये एक माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है कि हम जिस मकसद से गए हैं सेट पे वो पूरा होना चाहिए. ओके, चलिए जाते जाते एक ऐसी मेमोरी जो अपने साथ लेकर जाने वाले बेस्ट वाली शेयर करना चाहेंगे. बेस्ट मेमोरी बहुत सारी है, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको भी पता है कि 12 घंटे में अगर एक ये फिल्म बन के तैयार हुई है तो आप समझ सकते हैं कितनी फास्ट हम लोगों ने काम किया होगा. चाहे वो लोकेशन शिफ्टिंग की है या कॉस्ट्यूम चेंज का है या लुक चेंज करने का है. तो एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि कोई भी इरिटेटेड नहीं था, नॉट इवन द डायरेक्टर. शी वॉज ऑल्सो वेरी कूल एंड द एक्टर्स, मुझे लगा नहीं कि मैं पहली बार काम कर रही हूँ उनके साथ. इतना सपोर्ट था, इतना प्यार दिखा मुझे कि आई रियली फेल्ट नाइस एंड कम्फर्टेबल. लगा मुझे कि मैं इन्हें बहुत टाइम से जानती हूँ और इनके साथ भी मेरे काफ़ी अच्छे प्यारे प्यारे सीन्स हैं और फ्लोरा के साथ भी है अच्छे सीन्स. तो आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें लक्ष्मी ने मुझे बोला कि मजा नहीं आया. दैट इज माय मोस्ट ब्यूटीफुल मेमोरी ऑफ दैट डे, जब मैं इतनी मेहनत करके वापस आया और मुझे लक्ष्मी ने बोला मजा नहीं आया. इसके लिए मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ. मेरी मम्मी ने टीजर देखा एंड उन्होंने बोला कि मैंने, मम्मी कैसा लगा टीजर आपको, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है ऑनलाइन. हाँ वो तो ठीक है, लेकिन जो वो सुधांशु पांडे जी जो हैं और जो और आपकी जो को एक्टर हैं मैं फ्लोरा, हाँ फ्लोरा, वो रियल था क्या सब जो उन्होंने किया है उसमें? आंटी मुझे बहुत, मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे, ये इसमें से कुछ भी असली नहीं था, सब सब गलत था. वहाँ पे एक पन्नी डाल के हमने ऊपर से किया था उसके. माय मॉम इज नॉट दैट डम, ओके, शी विल नो. एंड शी आस्क्ड मी, शी वाज लाइक कि ठीक है रियल में किया ना बेटा, सीन में होगा. मैंने बोला हाँ हाँ वैसे. तुम्हें बोलना चाहिए था नीचे कोई था ही नहीं सुधांशु के, वो बाद में सीजी में डाला गया है अलग से. फिर भी इट्स अश्लील टू हर. ओके लास्ट में जाते जाते हमारे ऑडियंसेस को बता दीजिए कब रिलीज होने वाली है. दोस्तों हमारी फिल्म शॉर्ट फिल्म सीजन विद लव 16 तारीख को रिलीज़ हो रही है हंगामा प्ले पर. तो प्लीज़ हमारी फिल्म सीजन विद लव को बहुत सारा प्यार दीजिए और इस पिक्चर को आप सिर्फ इसके एंड के लिए देखिएगा. और क्योंकि एंड इतना बढ़िया है इसलिए आपको उसकी शुरुआत देखनी पड़ेगी, तो आपको पूरी फिल्म देखनी चाहिए. और आप लोगों को मैं एक चीज़ प्रॉमिस करता हूँ कि ये फिल्म से आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे, आपको बहुत पसंद आएगी. हमें अपना ढेर सारा प्यार भेजिएगा. बस इसी उम्मीद के साथ आज आपके सामने हूँ, अपनी फिल्म को लेकर आई हूँ और हम लोग पूरी स्टार कास्ट इतनी मेहनत कर रहे हैं आप तक बात पहुँच पाए, ताकि इसलिए एक बार और लेते हैं वाला. हाँ प्लीज़ ये मत एज इट इज़ डाल देना, ठीक है. हमने जो ये शॉर्ट फिल्म बनाई है सीजन विद लव बहुत ही प्यार से बनाई है और मीडिया के थ्रू हम आपके आप तक ये बात पहुँचा रहे हैं इसी मकसद के साथ कि आप इस फिल्म को ढेर सारा प्यार दें और खूब सारे व्यूज दें ताकि ये हिट हो जाए. थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू. ये पीछे इतना डिस्ट्रैक्शन चल रहा है, ये क्या है नीलूफर.